बच्चों, मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। डाउटनेट पे हो रहा है अब तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें दी जा रही है 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। ये टेस्ट उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई के एग्जाम, नीट, डिफेंस यानी कि एनडीए और गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये टेस्ट बच्चों आने वाली 19 सितंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक डाउटनेट ऐप पे लाइव करवाया जाएगा, और इस टेस्ट में रैंक 1 लाने वाले बच्चे को मिलेगी 100% की स्कॉलरशिप, रैंक 2 और 3 लाने वाले बच्चों को मिलेगी 90% की स्कॉलरशिप, और रैंक 4 से लेके 10 तक आने वाले बच्चों को मिलेंगी 75% की स्कॉलरशिप, और इसी तरह से अलग अलग रैंक के मुताबिक स्कॉलरशिप दी जाएंगी। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं भी आ पाती है तो निराशा की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को 10% की एटलीस्ट स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ नियम बता दूं। सबसे पहली बात, जो आपकी रैंक डिसाइड होगी वो आपके टेस्ट में आए हुए स्कोर के हिसाब से डिसाइड होगी, यानी कि जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स उसकी अच्छी रैंक, उसके कम मार्क्स उसकी अगली रैंक, एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ गए तो आप रैंक कैसे डिसाइड करोगे? तो बच्चों हम एक स्पीड और एक्यूरेसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला लगाएंगे स्पीड का फॉर्मूला, यानी कि जिन 2 बच्चों के मार्क्स सेम आए हैं उनमें से किस बच्चे ने टेस्ट को कंप्लीट करने में कम समय लिया, उस बच्चे को बेटर रैंक मिलेगी, जिसने ज्यादा लिया होगा उसको निचली रैंक मिल जाएगी। अगर मान लो दोनों का टाइम भी सेम आ जाए, मार्क्स भी सेम, टाइम भी सेम, तब हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी का फॉर्मूला लगाएंगे कि जिस बच्चे की नेगेटिव मार्किंग कम हुई है उसको बेहतर रैंक मिलेगी, और जिसने गलतियां ज्यादा करी हैं उसको निचली रैंक मिलेगी। तो ये रहेगा फॉर्मूला रैंकिंग सिस्टम का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन नियम से संबंधित, आपको जो टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है वो आपको अपने ग्रेड के हिसाब से, अपने टारगेट एग्जाम के हिसाब से रजिस्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और डाउटनेट पे आप 8th क्लास का स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जाकर 8th क्लास का ही स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करें। और अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हिंदी माध्यम वाला करें, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम का करें। इसी तरह से मान लीजिए मैं जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और अगले साल यानी कि 2022 में एग्जाम देने वाला हूं, तो मुझे जेई 2022 के टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। एंड सेम हिंदी माध्यम वाले बच्चे हिंदी माध्यम के टेस्ट में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के टेस्ट में। जो सिलेबस भी होगा टेस्ट का वो उनके पिछली क्लास के हिसाब से होगा। जैसे कि 8वीं क्लास का टेस्ट अगर मैं रजिस्टर करता हूं तो 7वीं क्लास का सिलेबस से मुझको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी क्लासेस के हिसाब से, अपने टारगेट एग्जाम के हिसाब से ही टेस्ट के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि वही टेस्ट आप दे पाएंगे और उसी टेस्ट के हिसाब से आपकी रैंकिंग या स्कॉलरशिप देखी जाएगी। 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये टेस्ट डाउटनेट ऐप पे लाइव करवाया जाएगा और शाम 6 बजे इसके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। एक और खास बात, डाउटनेट स्कॉलरशिप टेस्ट हर महीने करवाया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 3 लाख बच्चे स्कॉलरशिप जीत चुके हैं, और अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप नहीं जीती है तो अब की बार आपकी बारी है। तो आज ही रजिस्टर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ऑल द बेस्ट।